Welcome, friends, in the class of science of standard 8. We have discussed a topic, microorganisms around us in this class. In fact, this topic is related to chapter 2, microorganisms and viruses. आज की क्लास का हमारा जो मेन फोकस है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंपैक्ट से रिलेटेड है, जो हमारे लाइफ पे, हमारे डे टू डे लाइफ पे उनका क्या इंपैक्ट होता है, किस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल हैं, किन तरीकों से वो हमें हार्म करते हैं, इन सारी चीजों को we will discuss under this topic. But today we will focus only the uses or benefits of microorganisms. In fact, on the basis of their behavior, microorganisms can be divided or classified into two classes. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो भी बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड अंडर टू सेक्शन. फर्स्ट वन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली इन द सेंस दोज आर यूजफुल और हेल्पफुल टू अस. एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन व्हाट वे they are beneficial. All of these things will be discussed in this class. यहाँ पे कुछ उनके usefulness के point of view से कुछ points mention किया गया है, और ये जो हमारे लिए useful है, हमारे लिए benefits देते हैं, किन way से देते हैं, इन सारी चीजों का डिटेल्स हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे. Here are given five points related to friendly microorganisms or related to their usefulness. First one is in the preparation of curd, bread, cake, etc. कुछ फूड आइटम्स हैं जिनके प्रिपरेशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट है. Like curd, the formation of curd from the milk is possible by the action of bacteria named lactobacillus. Bacteria is the organism or group of organisms which are considered as microorganisms, and lactobacillus bacteria is useful for the formation of curd from the milk. Similarly, bread, cake, all these food items are soft, fluffy, spongy. So for making the bread and cake soft, fluffy and spongy, we use a microorganism like yeast. Yeast is an example of a fungi. तो यहां पे ऐसा देख रहे हैं कि कुछ फूड आइटम्स कर्ड, ब्रेड एंड केक, इनका फॉर्मेशन तभी हो पाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन उनके साथ होता है. दैट मींस इन द एब्सेंस ऑफ दैट एक्शन दैट फूड आइटम्स कैन नॉट बी मेड प्रॉपर्ली. कर्ड का तो खैर फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रेड एंड केक के फॉर्मेशन में हम का यूज नहीं करते हैं तो इसमें
जो ब्रेड और केक हम जिस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पंजी एंड फ्लफी यूज कर रहे हैं, वैसा अवेलेबल या वैसा फॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके प्रिपरेशन में, इसके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है। एंड अंडर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस सम और फ्यू एंजाइम्स दैट कन्वर्ट द सुगर इनटू अल्कोहल। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म्स इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके हेल्प से सुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दिस इज द टर्म रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोडक्शन से रिलेटेड ये टर्म है फर्मेंटेशन। अंडर दिस प्रोसेस इट इज सेड दैट द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन का मतलब है एंजाइम्स के एक्शन से ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म में एंजाइम्स के एक्शन से होता है तो दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है एंड दिस इज हैपन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इट इज एंड एनएरोबिक ऑक्सीडेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये यहां पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है सो दिस फर्मेंटेशन इज कंसीडर्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे ऐसा देख रहे हैं कि सुगर जाइमेज के एक्शन से ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज में चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुगर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म glucose and fructose by the action of gymase, and then after glucose is converted into ethyl alcohol and carbon dioxide by the action of another enzyme that is invertase. तो यहाँ पर enzymatic action से sugar का conversion alcohol में हुआ है। This is the process called fermentation and by using this process we get alcohol. तो यहाँ पे जो ये enzymes हैं, gymase and invertase, actually these enzymes are obtained from microorganisms. Microorganisms से ये enzymes मिलते हैं, जिनके action से sugar का conversion alcohol में हो रहा है। So we can say that microorganisms are useful in production of alcohol. इस तरीके से अल्कोहल के प्रोडक्शन में, अल्कोहल के फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉजिटिव एक्शन है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल हियर। नेक्स्ट वन इज इन द प्रोडक्ट प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स। कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनके फॉर्मेशन के लिए, जिनके प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली यूज किए जाते हैं। बेनिफिशियल एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स। कुछ मेडिसिन्स के फॉर्मेशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल हैं, जिनसे रिलेटेड दो टर्म है यहाँ पे। वन इज द एंटीबायोटिक्स एंड सेकेंड वन इज वैक्सीनेशन। एंटीबायोटिक्स ये वैसे केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं
जो जनरली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उसको एज अ मेडिसिन अगेंस्ट अ बैक्टीरियल डिजीज यूज किए जाते हैं, जिससे वो हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया हैं या वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वेरियस टाइप ऑफ डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, उनके ग्रोथ को बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में वो डिजीज का क्योरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह के जो भी केमिकल्स हैं, दोज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक तैयार किया था, पेनिसिलिन, एंड वो पेनिसिलिन के बाद नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाए गए एंड डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे उनको अप्लाई किया गया, जिसके बाद बॉडी में उस तरह के डिजीज को क्योर किया जा सका। तो यहाँ पे जो ये एंटीबायोटिक्स है, दोज आर यूज्ड एज मेडिसिंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सम सर्टेन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में उसका यूज किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एज ए फ्रेंड। एंड सेकेंड वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? इनफैक्ट दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वीकेंड और किल्ड माइक्रोब्स इनटू द बॉडी टू इम्यूनाइज अगेंस्ट द डिजीज। ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रैक्टिस है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी डिजीज का क्योरिंग नहीं होता है बल्कि प्रिवेंशन होते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी में एक सिस्टम एक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। दैट सिस्टम हैज फंक्शन टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर्स विच इंटर इनटू आवर बॉडी थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं, जो फूड लेते हैं, जो वाटर लेते हैं, उनके थ्रू हमारे बॉडी में कुछ माइक्रोब्स इंटर कर जाते हैं, बट हमारा बॉडी हमेशा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के निगेटिव इम्पैक्ट से अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो है जो फूड, वाटर और एयर के साथ माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करता है। तो यस, दैट इज द सिस्टम और इम्यून सिस्टम। तो वैक्सीनेशन इज द प्रोग्राम, वैक्सीनेशन इज द प्रैक्टिस टू मेक द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। किसी पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गली फाइट कर सके और उस डिजीज के जो भी कॉजिंग एजेंट्स हैं वो अगर हमारे बॉडी में इन करते हैं, इंटर करते हैं, तो वो सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करके उसके निगेटिव इंपैक्ट हमारे बॉडी पे नहीं आने दें। इसके लिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है, जिसके थ्रू इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के सम सर्टेन डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे बॉडी को रन रेडी किए जाते हैं, एक्टिव किए जाते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अपने बिहार में पोलियो उन्मूलन अभियान, यानी पोलियो को दूर भगाने के लिए गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है। ये पोलियो के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन दिए जाते हैं, ये वैसे बच्चों को नहीं दिया जाता है जो पोलियो इफेक्टेड है, ये उनको दिया जाता है जो पोलियो इफेक्टेड नहीं है लेकिन फ्यूचर में उन पर पोलियो का अटैकिंग नहीं हो, पोलियो के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है वो उनके बॉडी में एक्टिव नहीं हो, इसके लिए पहले से उनको उस पोलियो के अगेंस्ट वो वैक्सीन दी जाती है ताकि वो फ्यूचर
फ्यूचर में पोलियो के कॉजेटिव एजेंट के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये जो इंजेक्शन, ये जो वैक्सीन दिया गया अगेंस्ट पोलियो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन। ऐसे और भी डेडली डिजीज हैं लाइक चिकन पॉक्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टेटनस, ये ऑल दोस डिजीजेस आर माइक्रोबियल डिजीजेस, एंड टू प्रिवेंट द बॉडी अगेंस्ट दिस डिजीजेस द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज एक्टिव और इंप्लीमेंटेड। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके थ्रू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विकेंड और किल्ड माइक्रोब्स को बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी बिकम्स रेडी टू फाइट अगेंस्ट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ सम डेडली डिजीजेस। तो यहां पे जो ये वैक्सीन तैयार किए जाते हैं, ये एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, ये बनाने के लिए कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। That is why it is said that microorganisms are useful for preparation of certain medicines. Next one is in cleansing the environment. You know, हम लोग अपने day-to-day life में बहुत सारे waste substances here and there dispose करते हैं, जो decomposable होते हैं, degradable होते हैं, बट उनका डिग्रेडेशन, उनका डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स के एक्शन से पॉसिबल है। यानी माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंटल फ्रेंड भी कहा गया है, इको फ्रेंडली कहा गया है। रीजन ये है कि दे एक्ट लाइक अ इन्वायरमेंट क्लीनर। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंसेस और डिकम्पोजेबल वेस्ट सब्सटेंसेस हमारे द्वारा सराउंडिंग्स में डिस्पोज किए जाते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस डिकम्पोजेबल सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उससे होने वाले पॉल्यूशन से प्रिवेंशन देते हैं। इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो useful for cleansing the environment. Next one is agriculture में भी microorganisms का अपना importance है। You know, nitrites or nitrates are the components of soil that make the soil fertile. Generally हम लोग जो plants वगैरह लगाते हैं, जो crops लगाते हैं, उनको nitrogenous fertilizers की जरूरत होती है। Proteins के formation के लिए नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की जरूरत होती है। तो इनफैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, यू नो, वेरी मच, दैट इज 78%, बट दैट नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स डायरेक्टली। एक्चुअली प्लांट्स यूज द नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, एंड फॉर दिस इन द सॉइल दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन शुड बी कन्वर्टेड इनटू nitrates, and for this in the soil there are some nitrogen fixing bacteria. हमारे soil में nitrogen fixing bacteria होते हैं, that means वो microorganisms होते हैं जो atmospheric nitrogen को nitrates में convert करते हैं, and that nitrates are useful for the plants. So we can say that microorganisms are also useful for improving the soil fertility. जिस soil में nitrogenous substance, nitrogenous compound, nitrates sufficiently available है, that soil is said to be fertile. So this is possible by the action of nitrogen fixing bacteria. That means this is possible through the action of microorganisms. तो इस पॉइंट के लिए भी हम कह सकते हैं कि in the sector of agriculture, microorganisms are useful to convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound to make the soil fertile, that is beneficial for the proper growth of
प्लांट्स एज वेल एज क्रॉप्स। तो ये 5 पॉइंट्स में हम लोगों ने देखा है कि इन सारे रीजन्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट लाइक अ फ्रेंड, सो दे आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर बेनिफिशियल एंड यूजफुल टू अस। बट हम लोग ऐसा भी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत कैटेगरीज के हैं, बहुत टाइप्स के हैं, और सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुलनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस एंड दे आर कॉजिंग ऑफ द वेरियस डिजीजेस एंड ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड अंडर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन फोकस करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से रिलेटेड जो हमारे लिए हार्मफुल हैं एट वेरियस एस्पेक्ट्स। एंड एट राइट नाउ